हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है यूट्यूब चैनल आपका। मैं आशीष कुमार दोस्तों फिर से आ जाऊँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुप फोटो पर करेक्शन कैसे करते हैं, फेस क्लीनिंग कैसे करते हैं। दोस्तों काफ़ी वो भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि ग्रुप फोटो पर एडिटिंग कैसे करेंगे, फेस क्लीन कैसे करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे ग्रुप फोटो पर एडिटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने ये फोटो ग्रुप फोटो ले लिए हैं। इन फोटोज़ पर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करेक्शन करेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पहला फोटो है हमारा, ये हमने दिन में फ़ोटो क्लिक किया है। इसकी टोन देख सकते हैं किस तरीके से, इसमें ग्रीन शेड और ब्लू शेड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम कम करेंगे। दोस्तों हम इसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटो मारते हैं दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एल, एल दबाएंगे तो ऑटो हो जाएगा फ़ोटो पूरा। देख सकते हैं पहले वाला ये था हमारा, अब ऑटो मारने के बाद ऐसा हो गया। तो हमको ऑटो मारना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, एल दबाएंगे ऑटो। इसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत आपको फेड करना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ फेड करेंगे। 41 का या 42 का ऐसा अप्रॉक्स कर सकते हैं। आपको ऑपेसिटी 100 नहीं रखनी, क्यों हमने फेड मारा दोस्तों, ऑटो किया था, ऑटो हमें फुल नहीं करना, क्यों ऑटो से पूरा करेक्शन परफेक्ट नहीं हो रहा था, हमें ऑटो आधा रखना है। हमने 40% कर दिया, ओके। अब आपको क्या करना, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम करेक्शन करेंगे। जो हमें डार्क पोर्सन है उसे सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि इनका फेस डार्क है, इनके कपड़े थोड़े डार्क है, नीचे की इनके पार्ट इतना सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें डार्क दिख रहा है, हैंड डार्क है, बच्चे के थोड़ा कपड़े डार्क है नीचे से, ओके सिलेक्ट कर लिया। लेवल में जाके थोड़ा लाइट करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे हल्का दिशा से लेवल में जाके, ओके हो गया। अब बच्चे के फेस को सिलेक्ट करके थोड़ा लाइट करेंगे, फेदर दिया, ओके ये हो गया। अब थोड़ा कंट्रास्ट करेंगे दोस्तों, ऑल्ट आई ए सी ब्राइटनेस कंट्रास्ट ओपन कर लिया, हल्का सा कंट्रास्ट कर रहा हूँ, ओके। आपको क्या करना है, कंट्रोल बी में जाएंगे, कलर बैलेंस में मिलाएंगे हम कलर बैलेंस, कंट्रोल बी करेंगे, हाईलाइट करेंगे। अब रेड टोन बढ़ानी है हमें, रेड टोन हम थोड़ा बढ़ाएंगे और ब्लू टोन कम करेंगे, ओके। अब क्या करना है आपको, अब जो डार्क ज़्यादा दिख रहा है उसे हम दोबारा फिर से सिलेक्ट करेंगे, हल्का फेदर दिया, लाइट करेंगे हल्का सा, ओके। इस तरीके से बच्चे को भी सिलेक्ट करके लाइट करेंगे, ओके okay। अब बच्चे के फेस में थोड़ा येलो टोन आ रही है दोस्तों, जितना जितना येलो आ रहा है उसे सिलेक्ट करेंगे, फेदर दिया, सिलेक्टिव कलर में जाएंगे, ऑल्ट आई ए एस सिलेक्ट कलर में जाके येलो सिलेक्ट करेंगे, येलो टोन कम करेंगे, ओके okay। अब जितना इनका फेस देख रहे हैं डार्क है इतना सिलेक्ट करेंगे हम, जितना जितना डार्क पोर्शन दिख रहा है दोस्तों उतना सिलेक्ट करके हम फेदर देंगे, लेवल में जाके उसे लाइट करेंगे, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे उसकी हल्की हल्की, ओके। अब आपको क्या करना है, अब कलर बैलेंस में जाएंगे इनके फेस को सिलेक्ट करके, इनकी फेस की टोन अलग अलग दिख रही है दोस्तों, ब्लू टोन ज़्यादा दिख रही है। अब इतना फेस सबों का हम सिलेक्ट करेंगे, ओके फेदर देंगे। अब कलर बैलेंस में जाके हाईलाइट करके रेड शेड हम बढ़ाएंगे, रेड टोन हमारी, येलो टोन हम कम करेंगे, ओके और ग्रीन टोन हम कम करेंगे, मजेंटा ज़्यादा बढ़ाएंगे, ओके ओके करेंगे, ओके देख सकते हैं पहले से काफ़ी फ़र्क आ गया, ओके okay। आपको फ़िल्टर मारना दोस्तों, फ़िल्टर मार सकते हैं, पहले ही मार सकते हैं, बाद में ही मार सकते हैं। मैं इसमें प्रोटेक्चर वाला फ़िल्टर यूज़ कर लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने प्रोटेक्चर वाला फ़िल्टर, इसकी पर्सनल वीडियो बनाई है किस तरीके से हम ये यूज़ करते हैं, कितना हमें थ्रेशोल्ड रखना चाहिए, कितना कंट्रास्ट, सारी चीज़ें मैंने डिटेल वाइज सारी परफेक्ट तरीके से बताया किस तरीके से यूज़ करते हैं इसे हम। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों हमने ये प्रोटेक्चर वाला फ़िल्टर यूज़ कर लिया, आपको पूरे फोटो पे आप कलर करें बैलेंस मिलाएंगे, आप कलर कंट्रोल बी करेंगे, आप रेड टोन बढ़ाऊंगा हल्की सी। अब इसमें यार मैंने हाईलाइट नहीं किया दोस्तों, मैं रेड टोन बढ़ाऊंगा, येलो टोन कम करेंगे हम, ब्लू टोन कम करी हमने, येलो टोन बढ़ाई, सॉरी हमने येलो टोन बढ़ाई, ओके करेंगे, ओके ओके। अब थोड़ा लाइट करूँगा पूरे फोटो को दोस्तों, लेवल में जाके हल्का सा लाइट करूँगा, बैक करूँगा, ओके। अब आपको क्या करना है, जो चमक आ रही दोस्तों चमक को हम रिमूव करेंगे। मैं ब्रश टूल में जाऊंगा दोस्तों, ब्रश टूल सेलेक्ट किया, इसकी ऑपेसिटी हम थोड़े दोस्तों 16 करेंगे, देख सकते हैं आप ऊपर 16 ऑपेसिटी मैंने कर दी, सर्कल थोड़ा छोटा करके। अब यहाँ से कॉपी की हूँ मैं, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट दबा के मैंने कॉपी किया, जहाँ परफेक्ट ठीक है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ कॉपी किया, यहाँ से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। अब थोड़ी पर भी करेंगे हल्का हल्का ऐसे, इस तरीके से इनके भी फेस पर चमक हटाएंगे,
थोड़ा नोज़ पर आइए, हल्की सी नोज़ पर करेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं करेंगे नोज़ पर, नोज़ पर ज़्यादा पूरी फिनिशिंग नहीं करते, हल्की सी नोज़ स्पॉट से दिखने लग जाएंगे इसीलिए। ओके ओके, इस तरीके से बच्चे पे देखेंगे, बच्चे पे हल्की हल्की चमक हटाएंगे। ओके ओके, हो गया ये। अब थोड़ा बीच वाले फ़ोटो में फेस में देखेंगे, थोड़ा इसमें कंट्रास्ट करेंगे दोस्तों, कंट्रास्ट कम है, इतना इतना मैं पार्ट सिलेक्ट करूँगा, फेदर दूंगा, हल्का सा ब्राइटनेस कंट्रास्ट में जाएंगे, थोड़ा डीप करेंगे, कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। अब कलर बैलेंस में जाके ये रेड टोन दूंगा, येलो टोन कम करूँगा। ओके हो गया, ऐसे इसी इन वाले फेस पे भी इस पर करेंगे, थोड़ा सिलेक्ट करूँगा, फेदर दूंगा, कलर बैलेंस में जाके रेड टोन बढ़ाएंगे, येलो टोन कम करेंगे। ओके ऐसे इनके फेस पर भी करेंगे हम सिलेक्ट करके, फेदर दिया, कलर बैलेंस में आके रेड टोन बढ़ा दी, येलो टोन बढ़ा दी, हो गया। इसी तरीके बच्चे के फेस में देखेंगे येलो टोन और थोड़ा बहुत आ रहा है, उसे कम करेंगे, सेलेक्ट किया मैंने, फेदर दिया, सिलेक्टिव कलर में जाएंगे, येलो टोन सेलेक्ट करके हम येलो टोन काटेंगे, कलर बैलेंस में जाके हल्का रेड टोन बढ़ाएंगे। ओके अब देख सकते हैं आप, हमने चमक भी उठा दी, अब थोड़ा ब्राइटनेस करेंगे, बढ़ाएंगे हल्की हल्की, जो डार्क दिख रहा है इनका इतना पोर्शन सेलेक्ट करके, हल्का फेदर दिया, ब्राइट करूँगा हल्का सा कंट्रास्ट, हल्का हल्का ब्राइट। ओके अब माथे पे देखेंगे दोस्तों, ब्लू टोन ज़्यादा आ रही है, सेलेक्ट करूँगा माथे को, फेदर दूंगा, कंट्रोल बी में कलर बैलेंस में जाके हम ब्लू टोन कम करेंगे, रेड टोन बढ़ाएंगे। ओके अब पूरे फोटो को दोस्तों मैं हल्का सा डीप करूँगा। ओके अब कलर बैलेंस में जाके हल्का सा रेड टोन कम करेंगे, ब्लू टोन कम करेंगे। ओके ओके ये हो गया। अब जो दोस्तों हाथ देख सकते हैं, हाथ थोड़ा हल्का डार्क है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं हाथों को, इतना सिलेक्ट किया मैंने, इतना सिलेक्ट किया, फेदर दिया, हर लेवल में जाके हल्का सा हाथों को लाइट करेंगे। ओके इस तरीके से इनके भी हाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, फेदर दिया, लेवल में। ओके ये हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा करेक्शन हो गया। अब देख सकते हैं बीच वाले फोटो में येलो टोन ज़्यादा दिख रही है दोस्तों, आपको थोड़ा पूरे फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फेदर में जाके हल्का सा सिलेक्टिव कलर में जाके रेड टोन येलो टोन कम करेंगे। अब थोड़ा लेवल में जाके हल्का ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा इसकी, डार्क दिख रहा है। ओके ये हो गया। अब पूरे फोटो में ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ा दूंगा। ओके अब थोड़े थोड़े हल्के बर्न टूल से दोस्तों काले वाल कर लेंगे। हल्का हल्का रखना है, जिनके काले बाल करने हैं कर सकते हैं। ओके ये हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पहला वाला फ़ोटो कैसा था, अब हमने एडिट किया है वो कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों किस तरीके से हमारे दोनों फ़ोटो हैं, देख सकते हैं आप। एडिट करा हुआ फ़ोटो दोस्तों हमारा ये है, और विदाउट एडिटिंग वाला ये है। आज की टोन और इसमें टोन में बहुत अंतर है दोस्तों, ग्रीन टोन और ब्लू टोन दिख रही है इसमें, इसमें हमारी रेड टोन येलो टोन दिख रही है। इस तरीके से दोस्तों फोटो पर करेक्शन कर सकते हैं आप, और फिनिशिंग भी कर सकते हैं, फिल्टर आप बाद में मार सकते हैं या पहले भी मार सकते हैं, पहले लगा के चलाएं फिल्टर तो ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों, फिनिशिंग आपको कम करनी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों मैं एक ग्यारह नाइट वाला फोटो ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें आप करके दिखाऊंगा करेक्शन किस तरीके से करेंगे, इसमें दूसरी तरीके से करेक्शन बताऊंगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, कंट्रोल ए करेंगे, पूरे फोटो को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके, उसके बाद आपको मैजिक टूल सिलेक्ट करना है। अब जो वाइट पोर्शन है उसे हम अनसिलेक्ट करेंगे, मैजिक टूल सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट दबाएंगे, फिर आपको जो वाइट पोर्शन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। अजी आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाइट पोर्शन, इतना मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों जो जो वाइट पोर्शन है, जिससे कि हम इन पर हमको लाइट नहीं करना है। ओके ये हो गया। अब इसमें फेदर देंगे हम 121 का, और लेवल में जाके मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, आराम से हम बढ़ा सकते हैं। अब जो हमारे डार्क पोर्शन है उस पर फ़र्क पड़ेगा, जो हमने लाइट जिसे करना है हमने ये कर दिया। ओके ये हो गया। अब ब्राइटनेस कंट्रास्ट करूँगा, थोड़ा कंट्रास्ट करेंगे। ओके हल्का सा लेवल में जाके फिर से डीप करूँगा हल्का सा लाइट। ओके अब जैसा कि देख सकते हैं जो हमने लाइट किया था, हमने डार्क चीज़ थी वो लाइट कर ली हमने। अब आपको क्या करना है, अब जो हमने अनसिलेक्ट किया था, जैसे कि शेरवानी हमने सिलेक्ट नहीं करी थी, अब उसको सिलेक्ट करेंगे पर्सनल मैजिक टूल से सिलेक्ट करेंगे। ओके इनकी शर्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ओके फायदा देंगे, अब उसको डीप करेंगे दोस्तों, जिससे कि हमारी डिज़ाइन है शेरवानी की प्रॉपर आ जाएगी। ओके अब देख सकते हैं ऐसा कि पहले हमारी लाइट थी थोड़ा डीप हो गई, थोड़ा जहाँ जहाँ लाइट ज़्यादा दिख रही है वहाँ द्वारा फेदर देखें, मैं द्वारा डीप करूँगा। ओके अब नीचे साइड पोर्शन में थोड़ा
डार्क दिख रहा है शेरवानी, तो पूरी सिलेक्ट करके लाइट करेंगे हम। फेदर दिया मैंने, थोड़ा लाइट करूँगा, ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा। ओके ये हो गया हमारा। अब इसमें दोस्तों हम फिल्टर मार सकते हैं, प्रोटेक्चर वाला फ़िल्टर मैं चला देता हूँ। तो ये हमारा दोस्तों फ़िल्टर लग चुका है प्रोटेक्चर वाला। अब थोड़ा इसमें फ़ोटो में हम कंट्रास्ट करेंगे, ब्राइटनेस कंट्रास्ट करके थोड़ा ब्राइटनेस कम करूँगा, लेवल में जाकर हल्का डीप करेंगे फ़ोटो को। ओके आपको क्या करना है दोस्तों, अब फेस को थोड़ा क्लीन करेंगे दोस्तों। मैं इनके वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा, जो येलो टोन दिख रही है येलो टोन कम करेंगे फेस पे। फेदर देके हल्का लाइट करूँगा फेस को, सिलेक्टिव कलर में जाके येलो टोन काटेंगे हम। ओके अब इनके फेस को थोड़ा सिलेक्ट करके, थोड़ा जो डार्क इनका ज़्यादा दिख रहा है फेस, लाइट करूँगा हल्का सिलेक्ट करके। ओके लेवल में जाके थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। ओके ऐसे इस तरीके से इनके फेस को भी थोड़ा डार्क दिख रहा है, हल्का लाइट करूँगा साइड से। ओके अब फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब थोड़ा इनके फेस को सिलेक्ट करके हल्का सा डीप करेंगे हल्का हल्का। ओके आप देख सकते हैं दूल्हे के थोड़ा गर्दन पर थोड़ा डार्क है, सिलेक्ट करेंगे हल्का सा, फेदर दूंगा 15 का हल्का सा, और लाइट करेंगे हल्का सा। ओके सिलेक्ट कलर में आके येलो टोन कम करेंगे वहाँ से। ओके अब देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया करेक्शन। इसमें हम चमक हटाएंगे दोस्तों, जहाँ चमक आ रही है ब्रश टूल से हम सिलेक्ट करके चमक हटाएंगे हल्की हल्की दोस्तों। आप ऑपेसिटी हल्की हल्की हटाएंगे ब्रश टूल को दोस्तों, ऑपेसिटी कम करके ही चलाना, स्पॉट से ना दिखें इसलिए। ओके ये हो गया हमारा। अब हम बर्न टूल लेंगे, थोड़ा बाल जो जो वाइट दिख रहे हैं वहाँ का हम सिलेक्ट करके डीप करेंगे हल्का हल्का, शेपिंग हल्की हल्की, ज़्यादा काले नहीं करने दोस्तों, नॉर्मली रखने हैं हल्के हल्के, ज़्यादा काले भी अच्छे नहीं रहेंगे। ओके ओके हल्का डीप करेंगे पूरे फ़ोटो को। ओके हाँ दोस्तों ये हमारा करेक्शन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये फेस हल्के से हाथ थोड़ा डीप दिख रहे हैं, हाथ को थोड़ा सिलेक्ट करेंगे हम, थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ हाथ को, फेदर देके हल्का लाइट करेंगे। ओके तो दोस्तों ये हमारा करेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा पहला वाला फ़ोटो कैसा था, ये हमारा फ़ोटो कैसा है, मैं दोनों दिखाता हूँ दोस्तों। ये दोनों ओपन करिए हमने, आप देख सकते हैं आप, ये हमारा एडिट करा हुआ फ़ोटो दोस्तों, ये हमारा विदाउट एडिटिंग का फ़ोटो है, कितना फ़र्क आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप ग्रुप फ़ोटो में कलर करेक्शन कर सकते हैं, फेस क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मेन चीज़ दोस्तों करेक्शन होता है एल्बम पे, आप कितनी भी अच्छी डिज़ाइन क्रिएट करोगे जब तक आपका करेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो एल्बम अच्छी लगेगी नहीं दोस्तों। मेन चीज़ होती है करेक्शन, जितना परफेक्ट करोगे आप उतनी अच्छी एल्बम लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।